राजू सुनो तो सही। के बात है? अंदर आओ, चलो तो सही। ओ तेरी बहन के, ये कौन सी ब्राइट का जानवर है भाई? जानवर ना है, जीजा है मेरे। हमारे गांव में तो ऐसा जानवर हो? अरे मार्केट में नया कुत्ता है, दिखा है कटकना भी लगे है, चेक करूं इसे। कौन है? ले पैसे। कौन से पैसे? अरे अभी बताऊंगा, रुक जा। कौन से पैसे बता? हाँ जा रुक जा, अभी बताऊंगा कौन से पैसे। हाँ तू एक काम कर, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की, तू मुझे 10-1 किलो चावल बना दे नमक। 10 किलो चावल? हाँ। अभी तो 2 धड़ी चावल खा के बैठा। अरे भूख ना लगे की? 2 धड़ी जाके बना ले, तेरे बाप का थोड़ी खा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ। हाँ भाई अब तू ला पैसे। कहे के पैसे? तो तेरे बाप ने मुझसे 20 साल पहले लिए थे। मेरे बाप को मरा 100 साल हो लिए। कितनी उम्र है तेरी, कब ले लिए उनने पैसे? अबे एक तो बात बता, तेरे बाप को मरे हुए 100 साल हो गए, तेरी कितनी उम्र है? मेरी होएगी मुश्किल से 25। 25? हाँ। तेरे बाप को 100 साल कैसे हो गए मरे हुए को, जब तेरे 25? गणित मत लगावे, आगे की बात मत बतावे। तू का डब पैसे? पैसे अरे तू पैसे उल्टे कार्ड दे, पैसे साले कार्ड उल्टे, उल्टे कार्ड पैसे दे, पैसे दे, पैसे कैसे नहीं आज चार दूंगा साले, आज चार दूंगा दे पैसे, पैसे दे 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 पैसे। धोती दे, धोती ले जाऊंगा तेरी, जब तक पैसे नहीं देगा जब तक दू नहीं हार दूंगा। भागते भूत का लंगोटा ही सही। क्या हो गया ये? पैसे मांग रहा। और सुनो, यू हैव मेरी होने वाली घरवाली, अगर तन्ने से टॉर्चर करा या किसी बात का दुख दिया, नाक बना दूंगा तेरा, वो भी इच्छाधारी, समझ गया ना? लव यू डार्लिंग। नहीं ठीक है ठीक है, रुक जा, चल मैं बाद में बात करूँ तेरे से। अरे भाई सुनिए। हाँ भाई। तेरे बाप का पैसे थे मेरे? भैया कौन से पैसे, मेरे पिताजी ने तो मुझे कभी बताया नहीं। अच्छा मैं झूठ बोल रहा, तेरे पिताजी ने लिए पैसे? अरे देखियो मोहित ने किस बेचारे को पकड़ लिया, गरीब को, चल देखते हैं। कई बार घर भी गया मैं, नहीं मिला कोई भी वहाँ। अरे या तो चुपचाप पैसे दे दिए, नहीं तो घर पर कब्जा कर लूँगा मैं, जानता ना तो मुझे। ठीक है भाई, वैसे तो उन्होंने बताया ना कभी, पर भैया धीरे धीरे दे दूंगा पैसे, देऊंगा। दे दिए? हाँ दे दूंगा। ठीक है जा। हेलो। अरे क्या कह रहा है? भैया क्या बताऊँ, न्यू कह रहा तेरे बाप ने पैसे लिए, सब न्यू ही बोल रहा है तेरे बाप ने पैसे लिए। अरे इनके बात तुम्हें मत आया कर भाई, ये तो ऐसा ही है, ये हर दूसरे गरीब इंसान को सतावे है, कोई पैसे वैसे ना होंगे। भैया कह रहा तो देने पड़ेंगे, दे देंगे धीरे धीरे। ऐसे किस किस को देते फिरोगे तुम, ऐसे दुनिया मांगने आ जाओ, अपनी तरफ भी ध्यान दिया करो, दिन रात मेहनत करो, अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करो। भैया मेरे कोई दोस्त ही ना। क्यों, मैंने आपके दोस्त? ये ले भाई फ्रेंड ऐप यूज क्या कर। ये फ्रेंड ऐप क्या है भैया? भाई ये बहुत बढ़िया ऐप है दोस्त बनाने के लिए, यहाँ तुम रोज नए नए दोस्त बना सकते हो, चैट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल सब कर सकते हो, और यही नहीं अपने दोस्तों को गिफ्ट भी दे सकते हो। अरे हाँ हाँ, इस ऐप के बारे में तो मैंने भी सुना है। और हाँ आपको मालूम है, लड़कियाँ इन गिफ्ट को रियल मनी में कन्वर्ट कर सकती है। ना भाई ना, मैं विश्वास नहीं करूँ, ये लोग फेक हुए तो। अरे भाई मैं तुझे कोई गलत ऐप के बारे में थोड़ी बताऊंगा, फ्रेंड ऐप पर कोई फेक प्रोफाइल होती नहीं है, क्योंकि ये यूज करते हैं वॉइस वेरिफिकेशन फीचर, जिससे फेक प्रोफाइल क्रिएट ही नहीं होती। फिर तो बहुत अच्छा भाई। अच्छा मुझे ये बताओ मैं कैसे ज्वाइन करूंगा? भाई बस प्ले स्टोर पर जाके फ्रेंड सर्च करना और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। अरे वाह, इसको तो मैं भी डाउनलोड करता हूं। अरे रुके रुके, अरे पैसे ले जा। हाँ हाँ हमें पता, मारिए 2-4 दिन रुक जा, मैं ले जाऊंगा, ठीक है संभाल के रखो। सुनो तो राजू, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तुम तो हमेशा जल्दी में ही रहते हो। अरे इस गांव में कई टंटे फंस रहे हैं अभी, पहले इन्हें निपटा लूं, फिर तो सारी उम्र तेरी सुनूंगा ना। लेकिन एक सेकंड, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, क्या घूर रहे हो, जाके चाय बनाओ मेरे लिए, ये बुलाओ राजू को। ना ना ना, मार रहा हूँ दूध में घोटा।
क्या बार कह ली मैंने तेरे से, भाई थोड़ा सा बदलाव ला अपने भीतर, जितना दबेगा यो समाज यो गांव यो दुनिया तुझे उतना दबाएगी। अरे साफ मना कर दे कर, बोले मेरी गारंटी ना है, बाप तेरा मर गया कर्जा लेके, उसके चक्कर में तू क्यों पीछे जा है। यार तेरी सारी बात सही है, पर मैं अपने बाप के मरने के बाद उसका कलंक लेके जीना नहीं चाहता, क्योंकि लोग कहते हैं तेरे बाप ने कर्जा ले लेके दारू पी पी के सारे गांव का कर्जा कर रखा। लेकिन उसे मैं दूंगा, क्योंकि अगर मैं ना दूंगा फिर लोग मुझे यूँ कहेंगे कि यू भी ऐसा ही था। यार राजू देख मेरी बात सुन, इतना ना मरे उस बाप के पीछे, दारू पी उसने सदा, कुछ नहीं सोचा तारे बारे में। अरे याद कर तेरे भाई को दारू के चक्कर में ठेके पे गिर भी रखे आया था, आज अगर तेरा भाई तेरे साथ होता रियासत होते तुम इस गांव की। मेरा भाई नहीं है, मैं तो हूँ, मैं तो दूंगा। मुझे पता है कुछ लोग यहाँ झूठे हैं और कुछ सच्चे हैं, कोई झूठ बता हुआ कर्जा ले रखा, लेकिन जो भी बता रहा मैं दे रहा हूँ ना उनका, मैं सबका क्लियर करके दूंगा, मैं किसी के पैसे रखना नहीं चाह रहा। कुछ नहीं बचा, तेरे खेत बिक लिए, जमीन सब कुछ बिक चुका, अरे क्या बचा है, ये घर भी किसी दिन बिकवा देंगे ये गांव वाले। सोच के देख, आज तक इतना कुछ बेच के भी जब इसका कर्जा नहीं उतर पाया तो कैसा उतर जाएगा कर्जा आगे। भाई जो भी हो मैं कर्जा लेके नहीं जी सकता। तू नहीं समझे भाई राजू, तू नहीं समझे, पर बिना बदलाव के कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, तेरी मर्जी है, समझना समझना तो चलूं। भाई देख सब सबका प्यार है तू मेरा, इस वजह से दिल है तेरी हालत देख के, पर आज के बाद तुम भी तुझे नहीं कह, तू नहीं समझे, चल चलूं। लिए का पीछे तो दिए से ही छूटेगा भाई, देना पड़ेगा, देंगे तन बेच के भी देंगे, देंगे। तेरी बहन के बार लगा रखी है, मेरे ससुरे तेरे यहाँ हवाई जहाज उतर रहे, तेरे तार लगा रखे ये। आओ बैठो। अरे पैसे लाया उससे ना? तो क्यों ना लाया, पता ना क्यों ना लाया, ऐसी बदमाशी करेगा है? हाँ और के मेरी गैल रह के कितनी बदमाशी करेगा साले, पता है दूर दूर तक नाम है हमारा, कितनी तगड़ी बदमाशी करे हम साले, पाए दूंगा बदमाश बने तो तगड़ा बन, ना तो रहने दे जब तेरे बस की ना, तो साले मर, बदमाश बन, बदमाश बन जैसे मैं हूँ, मेरा नाम कर तेरा ससुरा। बदमाश बनना तो बदमाश ही बन, सही से बन, मेरी तरह बन, या घर बैठ और पैसे लेके ही आपके खड़ा हो चल। आवाज क्यों निकल रही भाई? राजू एक बात करनी थी बहुत जरूरी। हाँ तुझे कर्जा उतारना है ना? हाँ कर्जा उतारना भाई, जरूर उतारना। एक काम कर ले, फूलपुर में चला जा, बढ़िया मजदूरी मिल रही वहाँ, खूब काम है भर के, सीजन चल रहा है, इस सीजन में इतना पैसा कमा देगा कि इस एक झटके में उतार देगा सारा कर्जा। अच्छा जी भाई, देखो मुझे किसी भी तरह कर्जा उतारना, तू मुझे बता दे कहाँ चलना। फूलपुर चला जा, तेरे बाप के सर से कलंक हटाई दिए, ये मुझे दे और तू जल्दी। ठीक है। अरे रोकिए रोकिए, अरे रोक ले रोक ले, अरे मैं थक गया पैदल चलते चलते, थोड़ी देर स्कूटी दिखाइए। अरे स्कूटी ना दूं, स्कूटी मैं कल काम से जा रहा हूँ। अरे मुझे, मैं अभी आ रहा हूँ, दे तो सही। अरे भाई मैं किसी काम से जा रहा हूँ, समझा कर बात। अरे परे को मर जा, छोड़ जा, मैं अभी आ रहा हूँ, जब कह रहा हूँ। पागल हो गया, स्टार्ट करके दे इसे। अभी आ रहा हूँ। बता स्कूटी ले गया? मेरी स्कूटी ले गया, देख रहा भाई साहब, ले गया मेरी स्कूटी, भाई साहब मेरी स्कूटी ले गया, पकड़ो पकड़ो। राम राम जी। राम राम जी। राम भैया देखियो यार, कितना सीधा आज ना गाँव वालों ने कह के सारी जमीन ले जी। कहाँ मर गया ये सूरज का बच्चा?
कहीं दिखाई भी ना दे रहा, कहाँ है यू? मेरी स्कूटी को कहीं देखना दे मैं स्कूटी कहाँ है? क्या कौन सी स्कूटी? जो मेरे पे छीन के ले गो। मैं छीन के ले गा? जब पुलिस बुला लूंगा और तो जेल में सड़ा दूंगा। मैं स्कूटी की बात कर, मैंने आज तक साइकिल नहीं चलाई। सूरज मेरी स्कूटी दे दे, क्यों बुढ़ापे में मुझे परेशान करे तू? मेरा नाम सूरज नहीं है। अरे सूरज है तू? भाई साहब मेरा नाम सूरज है, मैं स्कूटी का, मैं तो आज तक साइकिल नहीं चलाई। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी स्कूटी दे दे। मेरा पीछा छोड़ दो भाई साहब, मेरी छोड़ रहा कपड़े डालो तेरे। मेरे पास स्कूटी ना है। तेरी स्कूटी दे, तेरी स्कूटी दे, मेरी स्कूटी दे, तेरा नाचा। अरे मेरी स्कूटी दे। सूरज सुबह से परेशान हूँ, मेरी स्कूटी दे दे। मेरा कहाँ स्कूटी? थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में ले लिए। वो अभी सही है, नहीं मैं थाने में जा रहा हूँ, रिपोर्ट करूंगा तेरे खिलाफ। रिपोर्ट करेगा वो भी मेरी? रुक जा, छोड़ रहा तू निगे को आज रिपोर्ट करूंगा। मार दे, मार दे, ले मार दे, आगे हट जा, मर जाएगा। अरे मैं किसी को पीट कह रहा हूँ, तू ही पीटा पहले, हट जा। उस्ताद जी चलो। अरे क्या हो गया? अरे चलो, गांव में चल रही है फूल बदमाशी। तुमने पूछा था ना, वो पैसे में ले आया। अरे यार क्यों किसी गरीब को सताओ? किसी को सताना बेकार की बात है, किसी को सताई नहीं करते, ठीक है ना उस्ताद? गरीब को सताओगे जब ही तो बदमाश बनेंगे। ना ना गंदे काम नहीं करते। ना ना ना, यो काम सही है। हमने कभी जीवन में गलत काम ही ना करे, ना हमारे बाप दादा ना करे होंगे। आज के बाद किसी से ये जो छीना झपटी ऐसे बंद कर दो। ना ना उस्ताद जी, तुमने तो ये काम सिखाया मेरे को। मन्ने सिखाया? बावला हुआ, मैंने काम सिखाया? मैंने आज तक किसी को अंगड़ी तो लगाई नहीं। ऐसी बात कर रहा क्यों? क्यों इस साला मैं कुछ वसूली करूं तो हमारा ना करूं तो हमारा, इस साला हाल बेहाल कर रखा है मेरा। ये तो सरकार रास्ता समझ रखा, घर हमारा इनके को ना लिकड़े कर तू, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे इतनी सोनी तो तू ना, कैसे बूझ के चलेंगे? कहाँ को लिकड़े यार, कहाँ को ना? ये झाड़ देखी, इससे तेरा मोर बना दूंगी मैं। पूरे को ये पूरे को आ आना एक बार। ये गोबर देख रही है ना, तुझे इसमें ही धांस दूंगा और यही क्यों रोज लिकड़ूंगा? जो उखाड़ना उखाड़ लिए, मैं तो रोज लिकड़ूंगा। एक नासखेत कहीं का। मेरी स्कूटी भी ले गया और दो बार छेद भी गया, अब मैं क्या करूं? दिख गया, दिख गया, कपड़े बदल के फिर आ गया। यू छलावा क्या है यू? पागल हो गया देखो, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? अच्छा भला आदमी भी सदमे में पागल हो जा। हाँ भाई बहुत छाती चोरी करके चल रहा। अरे मेरी तो इतनी है ही छाती है ही, इसे हम कम करेंगे अभी। होगी छाती चोरी, बदमाश बन रहा। अरे सुमन जी, अरे सुमन जी, सुमन जी तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने क्यों? अरे तुमसे प्यार हो गया ना, अगर तुमसे प्यार हो गया तो मैं तेरे बिना रहूंगा थोड़ा ही ना। मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम लाल मिर्च लग रही। सच्ची? हाँ। जब से तुम सुधरे हो मुझे भी तुमसे प्यार हो। तुम्हारे पापा कहाँ? क्यों अब पैसे वैसे लेने? नहीं नहीं मैं तो दहेज के सब खिलाफ हूँ, उनके पैर छुके आशीर्वाद लूंगा ना।
पापा जी तो खेत पे गए। खेत पे गए? हाँ। यस आजा गले मिल जा। भाई सब टाइम के हुआ। कमाल है यार, इस गांव में आदमी टाइम भी नहीं बता रहा। कैसी मुसीबत में फंस गया भाई मैं, पता नहीं। एक्शन। ए भाई नू बता, क्या नपड़ा इसकी साली का है? यू सर रोज रोज मेरे घर आ जावे, दो लीटर दूध पी जावे, सारे बिस्कुट ने खा जावे, है तू क्यों ना करता भाई साली की शादी? अरे तू एक बात बता, साली इसकी सेटिंग मेरी, तू बीच में के धार काट रहा। और बात सुन, ज्यादा बकवाद करी ना, धोती पाल के सिर पर धर दूंगा एक मिनट में। और तू कई बार छेद भी लिया मन्ने, और कहता अब छेद तू लहू लट काट के भीतर से, और तेरे सुसरे दम के कर रहे हैं। अरे साले सिर पर आके खड़े हो गए हैं, अरे अपने अपने घर जाओ ना, आ जा सुसरे दूसरे घर में झाकन, फालतू बात ना करिए मेरे से। और तेरी मन्ने सोल बटा रखी है, आया साली वाला, अरे सामान मेरा मैं अपने आप ले जाऊंगा, तू धार दे। तू ना सुधरा, दो दिन हो गए तुझे ढूंढते ढूंढते, पता नहीं तू कहां भाग के फिरे जा। अरे किन्ने कही सुधरने को, तू ही कह रही सुधर जा, मैं तो नहीं सुधरता। और तू क्या कर रही यहाँ? मैं तुझे ढूंढ रही दो दिन से, पता नहीं कहां मुंह मारता फिर। क्यों ढूंढ रही तू मुझे, तने सुधरने की मैं सुधरूंगे भला, अपना काम कर चल। चल तू अपना काम कर। कौन है ये? मुझे क्या पता कौन है। कौन है तू? अरे पति है मेरा, शादी करने वाली हूँ मैं इससे। तेरा पति कहाँ से हो गया? ये मेरा पति। मेरा पति है, चोटी पकड़ के मारूंगी। तू चोटियां पकड़ के मारेगी? हाँ मैं मारूंगी चोटी पकड़ के। इतनी हिम्मत क्या कर रही है? क्यों राड कर रही है? छोड़ दो अभी, खामो खा। अरे मैं दो का पति कैसे हो सकूं? मेरा पति है ये, मेरा पति है ये, मेरा पति है ये, मेरा पति है। राड कहां के लफड़े में पड़ गई, यूं अच्छी मुसीबत आई। अरे मैं दो का पति कैसे हो सकूं? नहीं ये मेरा पति है। एकदम मेरे जैसा। हेलो, अबे तेरी शकल अकल सब बिल्कुल एकदम मैच, कैसे मिलती जुलती है? कविता क्या हो तेरे जैसा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही हूँ। तू ही तो है ये। भाई तुझे नहीं पता मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, पापा तुझे एक दिन नशे में ठेक के पछोड़ आए थे, उसके बाद तू हमसे बिछड़ गया था, उसके बाद हम बिछड़ गए थे, तब से मैं आज तक तेरा इंतजार कर रहा था पर मुझे कहीं नहीं मिला। सच में मेरा एक भाई है, मेरा परिवार है, मेरे साथ तक किसी ने बताया नहीं, मैं तो खुद को अनाथ समझ रहा था। कमाल है यार, मैं भी भाई वाला हूँ, इतना घुट घुट के दिया मैं अपनों के प्यार के लिए, आज तुझसे मिलकर दिल को बड़ा सुकून मिला, बड़ी तसल्ली मिली कि मेरा भी एक भाई है। पर यार तेरे दिन तो था कहाँ भाई, इतना कर्जा हो गया था सिर पे कि मुझे कर्जा तारने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। जिस घर में तू खड़ा है ये घर भी हमारा ही है, ये भी बिकने वाला है, मैं तो बस आज इसे बेचने ही आया था। यूं तो मैं पहले ही समझ गया था गांव वालों का एक्सप्रेशन देख के, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, आज पता लगा गड़बड़ ये थी। ए भाई एक बात बता, घर में तेरा एक भी फोटो क्यों ना? अरे भाई फोटो के है, कर्जे वाले आवे तार के ले जाते हैं, फोटो वोटो कुछ नहीं छोड़ते यहाँ। भाई अब तो मैं यही चाहता हूँ, और दोनों मिल के रहें, अच्छे से काम करें, और ये जितना कर्जा है उसे उतारें। भाई तू चिंता मत कर, आज से मैं सुधर गया, यूं घर बचाएंगे, जमीन वापस ले, ज्यादा चूर चपड़ कोई करेगा ना तू भी देंगे, हम एक दूसरे का सहारा है, ना तू अकेला ना मैं अकेला। अरे यार मुझे तो किसी मोनू ने फोन करके बुलाया था, मुझे ऐसे ले मारे गांव में आके, और खूब पैसा खूब मौज ले मोनू ने। भाई एक दिन मोनू मेरे पास आया और उसने मुझे बताया। अरे विवेक। हाँ। अरे क्या कर रहा है? अरे कुछ ना, यो घुस बिखर रहा बाहर को, यही कर रहा था। क्या घुस? हाँ दो दिन हो गए। चल ठीक है यार, तुझे एक बात बतानी है। हो गया यार सैम, मैंने राजू जैसा इंसान खड़मपुर में देखा, और बिल्कुल इतना हरामी है, पूरा काम उससे परेशान है, डर डर का भाग है। देख ये इंसान बहुत अच्छा है, काम ने लूट रहा था, इसका बेचारे का भला करना ना तो उसने यहाँ फिट करा दे, और वो पूरे काम की तोबा बुला देगा, और जब यू बेचारा बच सके। एक काम करे, देख मुझे लगे है वो वही है इसका जो भाई था ना, जो इसके बाप ने ठेके पे गिरवी रखा। हाँ एक आदमी ने मुझे बताई थी कि यू किसी और गांव का है, इसका बाप कभी यहाँ ठेके पे गिर भी रख गया। मैं तू ठीक कह रहा है यार। तो एक काम करते हैं, तू तो उसे लायका,
जो हरामी वाला है और मैं इस गांव से निकाल के उसके गांव में इसे पहुंचा दूं। ठीक नहीं कहे यार, चल यू काम हमने कर दिया तो बहुत बड़ा पुल होगा। ठीक है तो यही होगा भाई। तब से लग रहा था कि तू तो सीधा आदमी है। मोनू ने कहा कि अगर इसकी जिंदगी बदलनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भाई हमें पता चली थी कि तू बहुत बड़ा अलबाद आदमी है, तेरे से लोग बहुत डरते हैं, और ये इंसान बहुत ही सीधा और सरल था। गांव वालों ने इसके साथ बहुत बुरा किया, इसके पिताजी मरने के बाद इस पर कर्जा करा दिया, कर्जा बताने लगे और घर की हर चीज ले गए, ऐसे ही इसके जंगल भी बिक गया, इस पर कुछ नहीं बचा। और फिर इसने बेचारे को परेशान होकर, हमने एक दिन प्लान बनाया कि इसको कैसे बचाएं अपने दोस्त को, तो फिर हमने तेरा सहारा लिया और हमने पता चला कि तू इसका सगा भाई है, तो और अच्छी बात हुई। वैसे भी दो भाइयों को मिलाने के लिए हमसे जो हो सकता था हमने कर लिया भाई। बाकी मेरा तो यही कहना है कि समाज किसी गरीब को, सीधे आदमी को नाजायज ना सताए। सीधा आदमी बेवकूफ नहीं होता, पागल उसे लोग समझते हैं, वो पागल नहीं होता। लोगों की ये मानसिकता है, बस वो अपने काम से मतलब रख के और दुनिया के रंग ढंग सीधेपन से चुपचाप देखता रहता है। नाजायज किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम पे बेमिसाल ताकत है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से करो। अगर आपको लगता है कि किसी गरीब को सता के, किसी को नाजायज सता के आपकी जीत है, नहीं, ये मानवता की मौत है। और आप अगर ज्यादा ताकतवर हो तो भी किसी गरीब को क्यों सताना है? यही सब होता था राजू के साथ, जो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। तुझे यहाँ ले आए, इसे वहाँ भेज दिया, शायद वहाँ तेरी इमेज सही हो गई और यहाँ राजू की जिंदगी सफल कर दी। बाकी आप लोग साथ रहो, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। अकेला ना, तू अकेला ना मैं अकेला, और बस मौज लेंगे। भाई बड़ी दिल को खुशी हुई, तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल गया और आप बड़े आराम से अपना घर बसाओ, बस हमारी तो यही तमन्ना। ना भी रहेगा ना, छेद के अपनी वहीं कर लेगा। और वैसे भी एक ना एक दिन हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। आज ना सही कल, कल ना सही परसों, लेकिन मिलेगा जरूर। भाई मोनू और विवेक, थारा भी एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मिला दिया, मेरी जिंदगी संवार दी, आज तक सारे गलत काम छोड़ गए, बाप का कर्जा उतारेंगे, जमीन अपनी वापस लेंगे, घर बचाएंगे और जिंदगी को अच्छी तरह जिएंगे। अगर नाजायज किसी ने सताया उसके तो टांग हाथ पैर सब तोड़ दूंगा, तोड़ देंगे दोनों मिलकर ही तोड़ देंगे। भाई ये मेरा यू, मैं बकसने का नहीं, वैसे बहुत शरीफ बन गया मैं आज से। और भाई यू तेरी और ये मेरी, और बाकी तुम देख लो कौन सी किसकी, बात एक ही हमारी, तो एक ही बात है। हाँ लुंगी भी देंगे, स्कूटी तेरी झोड़ पे वो जो है बिटोड़ा उसमें धरी, वहां से ले लिए जाके, चाबी उसमें लगी हुई है। हाँ राम राम, बहुत बहुत मेहरबानी थारी। अरे तम के दूध पी के जाओगे? हाँ जाओ, अपने अपने करो जाओ, चलो। मारा सामान आ गया और भाई का सामान आ गया और हमारे दोस्त आ गए, और बस और मौज रहेगी।